नीचे नीचे तो देखो जा सब, इसमें क्या है दिया है, सात पदों का योग कितना दिया है कता रही, देखो इधर। और प्रथम 17 पदों का योग कितना दिया है 289। बात समझेगा होगी, हाँ यहाँ इधर रखना है एम की जगह पे 7, उधर एम की जगह आपका रखना है 17, अलग अलग रखना है इसमें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अलग दिया है वहां पर अलग दिया है, समझ में आया बात। अच्छा तो एस एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो एस एन बराबर का होता है एन बटे दो टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, कोई दिक्कत आई? अच्छा यहाँ के लिए अलग लगाएंगे, यहाँ के लिए अलग लगाएंगे, यानी दोनों जगह से का फॉर्मूला लगाएं एस एन का, एन बटे दो टू ए एन माइनस वन इंटू डी, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ के लिए लगा रहे, ध्यान से देखना। तो एस एन को मान तो 49 दिया ही है, तो एस सेवन की वैल्यू तो दे रहा है कुल मिला के, एन की जगह आप सेवन रखेंगे, यहाँ यूँ रखेंगे 7 बटे 2 आएगा 2 ए, तो यूँ तो 7 रखेंगे या नहीं, 7 माइनस 1 और डी, कोई दिक्कत। तो एस एस 7 की वैल्यू कितनी दी है 49 रख दे, यहाँ पे बराबर 7 बटे 2 ये वाले 2 ए, 7 में से घटाएं तो क्या बचेंगे 6 डी तो बचेंगे, हाँ या ना, काट दे रहा है 7 49 कैची बड़ाई तो होता है यहाँ पे बराबर कितने बचे 2a प्लस 6d, शमी का नंबर पहला। अब जिसको सॉल्व करो तो यहाँ s 17 रखोगे है ना, तो 17 बटे 2 रखोगे जाला, हाँ या ना, 2a को मान के तुम्हें पता नहीं प्लस n को तो 17 ही रखोगे ना, एक और d, d को मानो नहीं पता, तो s 17 की वैल्यू कितनी चाहिए 289 बराबर 17 बटे 2, और यहाँ से 2a 17 में से एक जाए तो कोई 16d, 17 बार कटते हो तो कितना होता है 289, ठीक है, 17 के बारे में 289 कितने बार आते हैं 17 बार, 17 दूनी 34, अब अंदर में क्या बचा 2a प्लस 16d, अब इनको कर लेना विलोपन विधि से सॉल्व, और a और d के क्या निकल आएंगे।